A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Very venerable viewers, we are going to share manners and positive interaction with others. Ye bada ahmiyat ka hamil hai ki hum kis tarike se, kis salike se dusre logon se baat karte hain. Aur phir ye hai ki good manners kya hai, what good manners are. और बच्चों को खास तौर पर इसके बारे में आगाही देना बड़ा जरूरी है कि दीज थिंग्स आर गुड, हाउ टू टॉक अबाउट, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, और कौन सी बातें इसमें अच्छी हैं. इसमें उनको कुछ अल्फाज सिखा दिए जाए, प्लीज और थैंक यू वेरी मच. और फिर यह है कि डेली जो कन्वर्सेशन है उसमें जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं और दूसरे का शुक्रिया अदा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसमें दूसरे को रिलीफ मिलता है, दूसरे को ऑनर मिलती है और उसमें पर्सनैलिटी की ऑनर डेवलप हो जाती है. और ये पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है व्हेन वी आर सेइंग दीज स्मार्ट वर्ड्स फॉर अदर्स. कोई शुक्रिया अदा करता है तो उसके बदले में फिर वी आर सेइंग दैट यू आर वेलकम. और उसका जवाब देना, ये इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी मैनरिज्म का हिस्सा है. और हमारी जो वॉइस है दैट शुड बी प्लेजेंट और बड़ी सूदिंग और बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी प्लेजेंट होनी चाहिए कि हम खुश असलूबी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. और यह है कि इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल, एक्साइटिंग जेस्चर्स हमें कहना, बच्चों को सिखाना चाहिए. और जब हम कोई मैसेज छोड़ रहे हों तो उसमें भी भारत प्रॉपरली वी टू से समथिंग, हैप्पी जेस्चर्स, मॉर्निंग, या अपने अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से अल्फाज हम लिख सकते हैं. और फिर यह है कि उसमें ये ज़रूर लिखना चाहिए फॉर सोशल कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, वी मस्ट डिक्लेयर ओवर नेम. और फिर यह है कि कोई चीज़ एम्बिगुअस नहीं रखनी चाहिए, मस्ट गिव देम द कॉन्टैक्ट, वी एनश्योर कि हमारे पास, हम आपके पास नंबर होगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप, तो अगर ज़रूरत हो तो हम ज़रूर उनको अपना पूरा जो इंडिकेटर है कम्युनिकेशन का, कनेक्टिविटी का, वो देकर तो फिर हम वो लीव द चैट. इसी तरह हम रेस्पॉन्स में जब कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना और उसको लिए अल्फाज अदा करना, यस आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, आई विल बी देयर. हम अपने जेस्चर से, अल्फाज से बात ज़रूर इस तरह से कहें. बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे जो है ना, फ़ोन पे बात पूछी जा रही होती है कि आपने खाना खाया है, तो वो सिर्फ सर हिला देते हैं. लेकिन यह है कि इसके साथ उनको ये भी बताया जाए कि ये बोथ थिंग्स आर नेसेसरी, फ़ोन पे ख़ास तौर पर, कि फ़ोन पे दूसरे को तो नहीं अंदाज़ा होगा कि वो सर हिलाया जा रहा है, तो उसमें कहना कि यस आई हैव टेकन दैट मील या फूड या व्हाट्सएवर. और इसमें कमेंट करना, सैड कमेंट करना या फिर हैप्पी जेस्टर्स कमेंट करना, मुझे खुशी हुई, हम आपके काम में बराबर के शरीक हैं, हम हमें अफसोस हुआ, इस तरह के अल्फाज जो है ना, वो ये मैनरिज्म का हिस्सा है. बच्चे ख़ास तौर पर हेजिटेंट होते हैं कि ये बड़ों के काम है, और जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं, जब तक हम उनके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते. और ज़रूर उनको कहना और सुनना सिखाना चाहिए कि, या फिर यह है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट तो दे डोंट इंटरप्ट, दे टू लिसन, दे टू, या हम दूसरों से बात कर रहे हैं तो वो उसमें इंटरप्ट करने की बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं, या हमारे लीनियट व्यू से वो फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर इंटरप्ट करते हैं. तो ये इंटरप्शन जो है ना, ये भी मैनरिज्म का हिस्सा है कि दे नॉट टू इंटरप्ट व्हेन द अदर्स आर टॉकिंग, और बड़े बात कर रहे हैं या फिर उनकी बात को सुन रहे हैं, और या अगर वो पूछना चाहें तो वो बाद में उसके बारे में रहनुमाई ले सकते हैं. इसी तरह जब हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू टेक्स्टिंग, ईमेलिंग, और उसमें ख़ास तौर पर जब हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो हम पंजाबी की लैंग्वेज अंग्रेज़ी में लिख रहे होते हैं, वो दूसरे के लिए हो सकता है वो उसे समझ ही ना आए. बेहतर यह है कि उर्दू में लिखना है तो वो उर्दू में लिखें, ज़बान वही हो,
اور انگریزی میں لکھنا ہے تو انگریزی میں لکھیں تاکہ دوسرا فرد جو ہے نا وہ اس کو انشور کر سکے کہ یس دس تھنگ از گوئنگ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. اور پھر یہ کہ اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی جو ریسپیکٹ فلنیس ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. بڑے ہیں تو ان کے لیے ریسپیکٹ کے لیے, فرینڈز ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے ریسپیکٹ. اور اس میں کچھ ایسی لینگویج کا استعمال اور جو ہم عام طور پر رف ٹف استعمال کرتے ہیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ میسیج آپ کی کوئی ٹیچر پڑھ رہے ہوں, کوئی پیرنٹس کی نظر سے گزر جائے, تو اٹ شوڈ بی اوائڈڈ اینڈ وی بی کیئرفل اباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ کمیونیکیشن میسیج اینڈ ادرس. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے گڈ لسنر.